ठीक है रिमेनिंग जो आपके पास ट्वेंटी फाइव मार्क्स हैं वो आपके पास होंगे टेंथ क्लास के रिलेटेड सो so, आप लोगों ने ये चीज़ मेक श्योर sure करनी है कि अभी आपने रिसेंटली पेपर दिया टेंथ क्लास का सो यू विल बी वेरी फेमिलियर विद द टॉपिक्स एंड यू कैन गेट ईजीली ट्वेंटी फाइव मार्क्स सो इफ यू टॉक अबाउट द फिफ्टीन मार्क्स विच आर फ्राम क्लास नाइन्थ सो लेट्स डिस्कस द प्रैक्टिकल डिटेल्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं प्रैक्टिकल के लिए टू uh, थाउजेंड के लिए और इसमें फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है अगर इसमें हम सेक्शंस देखें तो हमारे पास सेक्शंस होंगे ए uh, से लेकर एफ़ तक लाइक ये आपके पास बन जाते हैं सिक्स सेक्शंस सो अगर आप सबसे पहले सेक्शन ए को देखो तो सेक्शन सेक्शन ए के अंदर हमारे पास uh, जो प्रैक्टिकल है वो है एमएस वर्ड के रिलेटेड और इसमें आपके पास वो आपको कोई भी एक पैराग्राफ दे सकते हैं एंड दे कैन आस्क फॉर द एनी फॉर्मेटिंग एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में डिफरेंस यू गाइस नो वेरी वेल सो फॉर्मेटिंग के लिए वो आपको कह सकता है और फॉर्मेटिंग में आपके पास फ़ोन स्टाइल्स हो सकते हैं बुलेट्स हो सकती हैं नंबरिंग हो सकती है अलाइनमेंट्स हो सकती हैं हेडर फुटर लगाने के लिए, के लिए कह सकता है सो so, ये आप लोगों ने अच्छे से जहन में रखना है कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो आपके एम एस वर्ड के ऊपर जो रिबन गिवन होता है और उसके अंदर जो टैब्स होते हैं जिनकी तादाद नाइन होती है वो आपके जहन में होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस तरह से उसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई की जा सकती है सो so, बेसिक बहुत बेसिक चीज़ होगी और ये चीज़ जहन में रख लीजिएगा वन मल्टीप्लाई फाइव इज एकल टू फाइव मार्क्स लिखा हुआ है मैंशन है ऊपर यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो फाइव मार्क्स हैं ये बेसिकली आपके पास आ, एक एक नंबर के पांच क्वेश्चंस होंगे पाँच फॉर्मेटिंग हो सकती है फॉर एग्जांपल अंडरलाइन करना इटैलिक करना बोल्ड करना या फिर फॉन्ट फेस चेंज करना इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और वो आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी प्लस इंप्लीमेंट तो करना ही करना है इन केस लेकिन साथ में आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने उसको आंसर शीट पर भी लिखना है लाइक यू हैव टू राइट द स्टेप्स जो स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे वही आपने अपनी आंसर शीट पे भी लिखने हैं क्योंकि आंसर शीट ही मार्क होगी प्रैक्टिकल एग्जामिनर की तरफ से देन सेक्शन बी सेक्शन बी में आपके पास सेम यही टास्क परफॉर्म किए जाएंगे लेकिन एम एस एक्सल के अंदर वहाँ पे आपके पास थोड़ी सी चेंजेस ये होंगी लाइक आपने फार्मूला अप्लाई कैसे करना है आपने लेट्सपोज फंक्शन और फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है यू मस्ट बी नोइंग इट वो आपको परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं एंड सेम कोज फॉर आपके पास जो फॉर्मेटिंग में चार्ट्स कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स आपके जहन में होने चाहिए दिस इज सेक्शन बी ये पांच नंबर एम एस वर्ल्ड के थे पांच नंबर एम एस एक्सल के हैं एंड देन लास्ट में आपके पास आ जाता है नाइन्थ का आखिरी पोर्शन दैट इज़ सेक्शन सी और इसमें आपके पास इन पेज के बारे डिटेल्स में डिटेल्स पूछी जा सकती हैं उर्दू में पैराग्राफ लिखने को कहा जा सकता है आपको और उसके ऊपर वही वाली एडिटिंग जो आपने एम एस वर्ल्ड में की है और कोई रिबन में सच बड़ा बड़ा चेंज नहीं है सो यू कैन मेक इट वेरी इज़िली सो so, नाओ ये तो हो गया नाइन्थ का नाव कम टू वर्ड द सेक्शन डी सेक्शन डी के अंदर आप लोगों के पास टेन मार्क्स का है सेक्शन डी और अच्छी बात यह कि क्लास एक, टेंथ एक में से स्टार्ट हो गया यहाँ पर आपके पास अच्छा यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएँगे लाइक प्रोग्राम्स आएंगे और दोनों प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ से आएंगे ये भी क्लियरली मेन्शन है इसमें कि एक प्रोग्राम जो होगा वो सेकेंड और थर्ड चैप्टर में से होगा या इन दोनों में से एक इन दोनों में से एक चैप्टर होगा जिसमें से एक प्रोग्राम आएगा और एक जो प्रोग्राम होगा वो थर्ड तो हो गया पहले फोर्थ और फिफ्थ में से एक प्रोग्राम आएगा सो so ये चीज़ इनमें रखिएगा देन uh, वो सिंपल से प्रोग्राम्स होंगे लाइक इवन और का हो सकता है इफ़ एल्स की सिंपल स्टेटमेंट हो सकती है स्विच स्टेटमेंट हो सकता है या फॉर लुक का कोई भी प्रोग्राम हो सकता है लेकिन दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल देन आपके पास सेक्शन ई e आएगा और सेक्शन ई e के अंदर आपके पास एस होगी और एस टी एम एल के अंदर आप लोगों ने देखना है कि हेडिंग्स जो होती हैं उसके लिए टैग्स कौन से यूज़ होते हैं पैराग्राफ के लिए लिस्ट के लिए ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट इस तरह की चीज़ें आपसे बार बारी पूछी जा सकती हैं एंड वन मल्टीप्लाई फाइव मीन्स कि आपके पास एक ही क्वेश्चन होगा जो पाँच नंबर हो का होगा सेम ग जो एम एस वर्ल्ड के अंदर मैंने आपको बताया कि दो तो तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं चार पाँच चीज़ें पूछी जा सकती है एक एक नंबर की तो येस दैट कैन बी डन लेकिन एक ही क्वेश्चन जो पाँच नंबर का है मतलब तो एक ये सेक्शन आपके टोटली फाइव मार्क्स का तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल मार्क्स हो गए थर्टी मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं नाउ द फाइनल सेक्शन दैट इज गोइंग टू सेक्शन एफ़ अब सेक्शन एफ़ के अंदर आप देखें यहाँ पे आपके पास दो दो नंबर के पांच क्वेश्चनस होंगे मैं आपको यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर देता तो हूँ ये देखिए जरा हाँ इसमें चॉइस गिवन है आपको चॉइस गिवन इन देंस कि आपके पास सेवन क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और आपने इनमें से कोई से पांच क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं लाइक like, आपके सेवन क्वेश्चंस होंगे और आपने इनमें से कोई पांच क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं और क्वेश्चंस किस तरह से होंगे जिस तरह यहाँ पे एक डैमो के तौर पर मैंशन भी है वॉट इज़ डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शंस ये आपने बताना है गिव एग्ज़ैम्पल गिव एग्जाम्पल कोड फॉर दिस नीचे राइट डाउन द शॉर्टकट कीज़ यूज्ड टू कंपाइल एंड रन प्रोग्राम शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताना है ट ऑपरेटर के बारे में बताना है थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हो या फिर एक प्रोग्राम गिवन होगा यू हैव टू राइट द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम लिस्ट एनी टू फॉर्मेट स्पेसिफायर्स विद देयर यूज एस टी एम एल टैक्स तो इस तरह के कोई से पाँच क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे ये एक फॉर्मेट है दिस इज द कम्प्लीट फॉर्मेट जो आपके पास गिवन होगा और आपके टोटल मार्क्स हैं फोर्टी जिसमें से फिफ्टी नाइन्थ क्लास के रिलेटेड हैं और जो बाकी ट्वेंटी फाइव हैं वो आपके पास टेंथ क्लास के सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल प्रिपेयर कैन ताकि थेरोटिकल पेपर के साथ आप इसमें से भी पूरे मार्क्स ले सकें होपफुली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज थैंक यू सो वेरी मच प्रिपेयर यूरसेल्फ एंड टेक केयर अल्लाह निगेबान